अब हम हमारे दूसरे वीडियो में पढ़ते हैं भाषा के प्रकार या भाषा का रूप। भाषा मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, लेकिन एक रूप और भी होता है जिसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के तीन रूप होते हैं, उसमें से एक है मौखिक, दूसरा है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। तो मुख्य रूप से हम दो ही जो रूप होते हैं उसका उपयोग अपने जीवन में लाते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि भाषा का मूल रूप मौखिक ही है। मौखिक रूप को ही हम निश्चित और स्थायी आधार देने के लिए लिखित रूप को की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमें लिखित प्रमाण जो है हमें लंबे समय तक जो एक धरोहर के रूप में रख सकते हैं। यही लिखित रूप भाषा एवं उनके साहित्य को सुरक्षित रखता है, और जो मौखिक रूप होता है वो सुरक्षित नहीं रहता है। इस प्रकार भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। लिपि के द्वारा ही हम भाषा के जो रूप होते हैं उसको हम स्थाई प्रदान करते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में होती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में तथा उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो इस प्रकार जो हमारी हिंदी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ये है भाषा के रूप। तो भाषा के जिस रूप में ठोस प्रमाण मिलता है, जो लिखित उसके रूप होते हैं, उसे हम लिखित रूप कहते हैं। और मौखिक जो सिर्फ मुंह से बोली जाती है, दूसरों के समक्ष बोलने और सुनने वाले दो ही व्यक्ति होते हैं। तो ये उसके दो रूप है। फिर है इसमें सांकेतिक रूप। संकेत एक रूप और है इसका जो गौण होता है सांकेतिक रूप। संकेत में जैसे कहीं कहीं पर हमें कुछ भाषाएं ऐसी होती जो न बोलकर नहीं लिखकर बल्कि किसी संकेत की ओर संकेत के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, इशारा के रूप में प्रदर्शित होती, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए हम प्लस का निशान लेते हैं, डेंजर के लिए क्रॉस का निशान लेते हैं, तो उस प्लस और क्रॉस के निशान को देखकर व्यक्ति समझ जाता है जहाँ कहीं पर प्लस दिखता है तो ये हॉस्पिटल है या फिर डॉक्टर क्लिनिक है। वैसे ही कहीं पर रोड में हो या जहाँ ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं इलेक्ट्रिक चीज इलेक्ट्रॉनिक जैसे चीज़ों पर जहाँ पर क्रॉस का निशान दिखता है तो उसे देखकर वहाँ पर एक डेंजर का चिन्ह बना होता है तो आदमी समझ जाता है कि यहाँ पर ये खतरा है। तो ये भी एक प्रकार का संकेत होता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं भाषा के मुख्य रूप से दो रूप है, लेकिन एक तीसरा रूप जो होता है वो सांकेतिक होता है।